बात करेंगे सरायपाली की, जहां पर सिंघौड़ा थाना पुलिस की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा से आ रही ट्रक से 1 करोड़ रुपए की साड़ियों को जब्त किया है। दरअसल बरगढ़ उड़ीसा की तरफ से आयासर ट्रक तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा था, तभी वाहन को चेक पोस्ट के पास में रोका गया और ट्रक चालक ने ट्रक को साड़ी होना बताया। पुलिस की टीम की तलाशी लेने पर तकरीबन 90 नग प्लास्टिक सफ़ेद बोरी में 16,000 नग साड़ी मिली है। बरामद साड़ियों की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेड्डीखोल नाका अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जहां उड़ीसा की ओर से एक आईजेड ट्रक जो महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी है वो आई, जिनको चेक करने पर काफ़ी मात्रा में इसमें साड़ियाँ थी। लगभग 99 बोरिया में 16,000 साड़ियाँ थी, जिसके संबंध में ड्राइवर को पूछताछ किया गया और दस्तावेज पर पेश करने के लिए कहा गया, जिन्होंने दस्तावेज नहीं होना बताया, जिसके तहत 99 बोरियों की लगभग 16,000 साड़ियों की जिसकी कीमत लगभग अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, को धारा 102 जापो के तहत जब्त किया गया।